बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द लिमिट स्टार एकेडमी ऑफ साइंसेस। आज हम जनरल नॉलेज का जो पार्ट नंबर 18 है उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो पहले फर्स्ट 17 पार्ट्स हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं और आप इनको डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। व्हेन वाज ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड कॉमनली नाउन एज OGDCL फाउंडेड इन, तो इसका जो क्याम है वो 20 सितंबर 1961 में अमल में आया और इसका जो हेडक्वार्टर है वो इस्लामाबाद में है। विच अमंग द फॉलोइंग एनिमल्स डू नॉट हैव वोकल कॉर्ड्स, तो इनमें से जो जिराफा है उसकी वोकल कॉर्ड्स नहीं होती। व्हाट इज द टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सी ब्रिज, तो इसका राइट ऑप्शन है $20 बिलियन। World Space Week as declared by the United Nations General Assembly, it is held every year during, तो इसका right option है 4 to 10th October, which is the national flower of Switzerland, तो इसका right option है Edelweiss. FDI stands for, तो इसका right option है foreign direct investment. Who is called as the brand man of Asia? तो ज़हीर अब्बास को brand man of Asia का नाम दिया जाता है। CPI stands for, तो इसका right option है consumer price index. Graveyard of empires, तो इसका सही जवाब है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को graveyard of empires कहा जाता है। Mount Ararat is the highest peak of, तो इसका right option है तुर्की, ये तुर्की में है और इसकी जो लेंथ है वो 565 यानी कि 5165 मीटर है। फेमस पेंटिंग द सनफ्लावर इज पेंटेड बाय, तो इसका राइट ऑप्शन है विंसेंट वैन गॉग। द कोल इज डैश द लार्जेस्ट कोल रिजर्वायर ऑफ द वर्ल्ड, तो इसका सही जवाब है सेवंथ। जो कोल है वो वर्ल्ड का सेवंथ लार्जेस्ट रिजर्वायर है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन ITTF का जो हेडक्वार्टर है ये लाउसीन स्विट्जरलैंड में है और इसका जो क्याम है वो 1926 में अमल में आया। सिलिकॉन वैली इज निक नेम फॉर द साउदर्न पोर्शन ऑफ सैन फ्रांसिस्को बे एरिया इज द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ, तो इसका सही जवाब है कैलिफोर्निया। ये बेसिकली कैलिफोर्निया के नॉर्दर्न रीजन में है। ड्रिबलिंग इज द टर्म एसोसिएटेड विद ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो ड्रिबलिंग जो टर्म है ये हम बेसबॉल के लिए यूज करते हैं। द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन वाज, तो इसका राइट ऑप्शन है टाइगर लाइन। और यूनाइटेड नेशन का जो क्याम है ये 24 अक्टूबर 1945 में अमल में आया और इसके पहले जो सेक्रेटरी जो जनरल है वो टाइगर लाई हैं और इसके जो मौजूदा सेक्रेटरी जनरल है वो एंटोनी गिटर्स हैं, जो कि अपनी जो खिदमात हैं वो 1 जनवरी 2017 से यूनाइटेड नेशन में दे रहे हैं। द ओल्डेस्ट रिटन लैंग्वेज इज, तो इसका सही जवाब है सुमेरियन। सुमेरियन जो है ये ओल्डेस्ट रिटन लैंग्वेज है। विच कंट्री हैज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट जिप लाइन, तो इनमें से जो UAE है इसकी लॉन्गेस्ट जिप लाइन है। द बुक द मर्डर ऑफ हिस्ट्री द पाकिस्तान हिस्टोरियन एंड द ब्रिटेन एंड मुस्लिम इंडिया वार रिटन बाय, तो इसका सही जवाब है खुर्शीद कमाल अजीज, के अजीज। शाइनिंग पाथ इज द माइलिटेंट ग्रुप ऑफ विच कंट्री, तो इसका सही जवाब है पीरू। बीका वैली इज लोकेटेड इन, तो बीका जो वैली है वो लेबनान में वाक़ है और इसकी जो लेंथ है वो 120 किलोमीटर है और इसकी जो विड्थ है वो 16 किलोमीटर है। The second battle of Panipat was fought between, तो पानीपत की जो दूसरी जो जंग है वो हेमचंद्रा विक्रमादित्य और मुगल एम्परर्स के दरमियान में 5 नवंबर 1556 में लड़ी गई है। नेक्स्ट है, हु होल्ड्स द अथॉरिटी टू अनाउंस द डेट फॉर इलेक्शन इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तो इसका सही जवाब है प्रेसिडेंट। इंटरफैक्स इज द न्यूज़ एजेंसी ऑफ, तो इसका सही जवाब है रशिया।
वन निबल इज इक्वल टू, वन जो निबल है वो 4 बिट्स के बराबर होती है और वन जो बाइट है वो 8 बिट्स के बराबर होती है। नेक्स्ट है आईसीसी वाज फाउंडेड इन द ईयर। आईसीसी का बेसिकली जो क्याम है ये 15 जून 1909 में अमल में आया और इसका जो हेडक्वार्टर है वो दुबई है और इसके जो करंट चेयरमैन है वो ग्रेग बार्कले हैं। द हिस्टोनियन मॉन्यूमेंट अल खानजे आर द ट्रीजरी इज लोकेटेड इन द सिटी ऑफ, तो इसका सही जवाब है पीटरा जॉर्डन। व्हेन डिड ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर बोर्न, तो ज़हीरुद्दीन जो बाबर हैं ये 14 फरवरी 1483 में पैदा हुए हैं और इनका जो इंतकाल है ये 26 दिसंबर 1530 में आगरा में हुआ है और ये काबिल अफगानिस्तान में दफन है और इनके जो फादर हैं वो उमर शेख मिर्ज़ा दौम है। हु वाज द फाउंडर ऑफ बहमानी डायनेस्टी, तो बहमानी डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं वो अलाउद्दीन बहमन शाह हैं और इन्होंने इसकी जो बुनियाद थी वो 1347 में रखी। हु कंस्ट्रक्टेड द स्वेज कैनाल, तो स्वेज कैनाल जो है ये फेडरिक डी लेप्स ने इसको कंस्ट्रक्ट किया और ये बेसिकली जो स्वेज कैनाल है ये मेडिट्रेनियन सी को रेड सी के साथ जोड़ती है और ये अफ्रीका को एशिया के साथ डिवाइड करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस डिवाइड तुर्किश एंड ग्रीन साइप्रस कम्युनिटीज, तो इसका सही जवाब है ग्रीन लाइन। 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप वाज हेल्ड इन, तो इसका सही जवाब है इंग्लैंड। 2019 का जो वर्ल्ड कप है वो इंग्लैंड और वेल्स में खेला गया जबकि 2023 का जो वर्ल्ड कप है वो इंडिया में खेला जाएगा और 2027 का जो वर्ल्ड कप है वो साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे और नबीबिया में खेला जाएगा और 2031 का जो वर्ल्ड कप है वो इंडिया और बांग्लादेश इसकी मेज़बानी करेंगे। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी CIA, CIA बेसिकली ये सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी है अमेरिका की और इसका जो हेडक्वार्टर है वो लैंगले वर्जीनिया में है और इसका जो क्याम है वो 18 सितंबर 1947 में अमल में आया। द लास्ट कंट्री ऑफ एग्जिस्ट पावर टू सरेंडर ड्यूरिंग द एंड ऑफ द वर्ल्ड वार टू वॉस, तो इसका सही जवाब है जापान। व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेनिस कोर्ट फॉर सिंगल्स, तो अगर हम इसकी विड्थ की अगर हम बात करें तो इसकी विड्थ है 8.23 मीटर यानी कि 27 फीट है और अगर हम इसकी लेंथ की अगर हम बात करें तो इसकी जो लेंथ है वो 23.77 मीटर है यानी कि 78 फीट है। कारसास इज द कैपिटल ऑफ, तो इसका सही जवाब है वेनेजुएला। विच रेजिमेंट ऑफ पाकिस्तान आर्मी हैज अवार्डेड मैक्सिमम नंबर ऑफ निशाने हैदर, तो बेसिकली पंजाब रेजिमेंट को मैक्सिमम नंबर ऑफ निशाने हैदर से नवाजा गया है जिसमें जो मेजर नाम है वो राजा मोहम्मद सरवर भट्टी, मेजर तुफैल मोहम्मद, मेजर राजा अजीज भट्टी और नायक महमूद महफूज के जो नाम है वो शामिल है। द स्टीवेंसन स्क्रीन कंटेन्स ऑल ऑफ दीज एक्सेप्ट, तो इसका सही जवाब है नैनोमीटर। द उर्स ऑफ शाह अब्दुल लतीफ भुटाई व सेलिब्रेटेड ऑन 14th of October 2019, तो इसका सही जवाब है 276 और 2022 में जो इनका उर्स जो सेलिब्रेट किया जाएगा वो 279th होगा। मोहम्मद बिन कासिम अल-तुखाफी वाज बोर्न इन, मोहम्मद बिन कासिम ये बेसिकली 31 दिसंबर 695 में ताइफ हिजाज में पैदा हुए और इनकी जो वफात है वो 18 जुलाई 715 में मोसल में हुई। नेक्स्ट, इन विच रीजन न्यूजीलैंड इज सिचुएटेड, तो इसका सही जवाब है ओशिनिया। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स क्रॉस द इक्वेटर ट्वाइस, तो इसका सही जवाब है कांगो रिवर। कांगो जो रिवर है वो इक्वेटर को 2 दफा कट करता है। हु फर्स्ट डिस्कवर्ड द मकाओ पिकाओ, तो इसका सही जवाब है हिराम बिंघम। रोटोंडा कैपिटल बिल्डिंग इज लोकेटेड, तो इसका सही जवाब है वाशिंगटन DC। इसमें जो DC ये भी अक्सर पूछ लिया जाता है, DC एब्रीवेशन है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलम्बिया की। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ पाकिस्तान होस्ट आइडियाज यानी कि इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन एंड सेमिनार सिंस इट्स इनॉग्रेशन, तो इसका सही जवाब है कराची। व्हेन यूके जॉइंड यूरोपियन यूनियन विच प्रीवियसली कॉल्ड EEC,
तो इसका सही जवाब है 1 जनवरी 1973। हु वाज द फादर ऑफ केमिकल वारफेयर? तो फ्रिट्स हैबर को केमिकल वारफेयर भी कहा जाता है। इसको बेसिकली अगर हम फ्रिट्स हैबर की अगर हम बात करें तो ये जर्मन साइंटिस्ट हैं। इनको 1918 में नोबेल प्राइज़ के इनाम से भी नवाजा गया क्योंकि इन्होंने जो हैबर्स ब्रॉज प्रोसेस है वो इन्होंने डिस्कवर किया था फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। क्योंकि जब भी हम इंडस्ट्री में यूरिया को प्रिपेयर करते हैं तो बेसिकली हमें दो तरह के रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड सेकेंड वन इज़ अमोनिया। बेसिकली अमोनिया की प्रिपेरेशन के लिए हैबर्स मेथड्स हम यूज़ करते हैं, जिसमें हम 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन और 3 मोल ऑफ जब नाइट्रोजन आपस में कंबाइन करते हैं तो उससे 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बनते हैं। और ये बेसिकली जो अमोनिया की जो प्रिपरेशन थी हैबर्स मेथड के जरिए, ये फ्रिट्स हैबर्स ने इसको डिस्कवर किया, जिसकी बिना पर इसको 1918 में नोबेल प्राइज़ के इनाम से भी नवाजा गया। हैनोई इज द कैपिटल ऑफ? तो इसका सही जवाब है वियतनाम। डेड सी लोकेटेड इन विच कंट्री? तो बेसिकली जो डेड सी है ये इसराइल और जॉर्डन के दरमियान में वाक़ है। MI6 इज द सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ? तो इसका सही जवाब है ब्रिटेन। MI6 जो सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी है ये बरतानिया की सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी है। व्हेन डिड नसीरुद्दीन महमूद डाई? तो इसका सही जवाब है 18 फरवरी 1266 में नसीरुद्दीन महमूद का इंतकाल हुआ। वर्ल्ड बुक डे सेलिब्रेटेड ऑन? तो वर्ल्ड बुक डे जो है ये हर साल 23 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। विच कंट्री डू साइनोलॉजी स्टडी? तो इसमें से बेसिकली जो चाइना है वो साइनोलॉजिस्ट स्टडी कहते हैं। बेसिकली साइनोलॉजिस्ट की अगर हम बात करें तो इसकी डेफिनेशन हम यूँ कर सकते हैं कि द एकेडमिक स्टडी ऑफ चाइना प्राइमरली थ्रू चाइनीज लैंग्वेज लिटरेचर एंड फिक्ट्री। नेक्स्ट लिबनान करेंसीज। बेसिकली जो लिबनान की जो करेंसी है वो लेबनीज पाउंड है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ वियतनाम? तो हनोई जो है ये वियतनाम का कैपिटल है। व्हाट इज द थीम ऑफ द 2018 वर्ल्ड फूड डे? तो इसका सही जवाब है आवर एक्शंस आर आवर फ्यूचर। द सेवेरिटी ऑफ 2005 अर्थक्वाक इन पाकिस्तान और रेक्टर स्केल वास? तो इसका सही जवाब है 7.6। हाउ मैनी कंट्रीज आर इन देयर इन द वर्ल्ड हैविंग ग्लेशियर्स? तो इनमें से बेसिकली 50 कंट्रीज ऐसे हैं जो कि ग्लेशियर से कवर्ड है। रोदे कोसर इज रिटन बाय? रोदे कोसर जो है ये शेख मोहम्मद अकरम ने लिखी है। हु होल्ड्स द टाइटल ऑफ बादशाह खान फ्रंटियर गांधी? तो इसका सही जवाब है अब्दुल गफार खान। द स्पेस शटल डिसइंटीग्रेटेड ड्यूरिंग इट्स री एंट्री इन द अर्थ एटमोसफियर नियर द एंड ऑफ इट्स 28th एमिशन ऑन 1 फरवरी 2003 रिजल्टिंग इन? तो इसका सही जवाब है कोलंबिया। नेपोलियन इन्वेडेड इजिप्ट इन? तो नेपोलियन ने इजिप्ट में 1798 में हमला किया। विच इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ इजिप्ट? इनमें से इजिप्टियन लोटस जो है ये इजिप्ट का कौमी फूल है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स वाज फर्स्ट टाइम पब्लिश्ड इन? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स पहली दफ़ा 2013 में ये पब्लिश्ड हुआ था। कोटला वोल्केनो जो है ये आइसलैंड में वाक़ है। इनमें से जो जापान है, जापान का सबसे जो छोटा नेशनल एंथम जापान का है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 4 लाइनें हैं जो कि आपको इस फिगर्स में नज़र भी आ रही हैं। वेयर द फर्स्ट एशियन समिट वाज हेल्ड इन फरवरी 1976? तो फर्स्ट एशियन समिट जो है ये फरवरी 1976 में इसका जो इनका था वो इंडोनेशिया में हुआ। द पार्ट ऑफ डेजर्ट वेयर एडिक्वेट वाटर इज अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन? तो सहरा के ऐसे इलाके को ओसिस कहा जाता है। द हेडक्वार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स वाच इज लोकेटेड? तो ह्यूमन राइट वाच का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में वाक़ है। द करंट सीनियर मोस्ट पार्लियामेंटेरियन इन पाकिस्तान इज? तो इसका सही जवाब है शेख रशीद। इंटरनेशनल टी डे इज ऑब्जर्व ऑन? तो इंटरनेशनल टी का जो डे है वो हर साल 15 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। फर्स्ट टाइम इन वर्ल्ड कंट्री टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन इज? तो इसका सही जवाब है यूएसए। जो ब्रीफियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिकली यूएसए का है, और जो लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का वो बेसिकली इंडिया का है। विच कंट्री टीम फेल टू रीच आउट वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम इन 60 ईयर्स? तो इसका सही जवाब है इटली।
चाइकेन इट्सा वॉज ए लार्ज फ्री कोलंबियन सिटी बिल्ट बाई द माया पीपल ऑफ द टर्मिनल क्लासिक पीरियड द आर्क्योलॉजिकल साइट इज लोकेटेड इन। तो इसका सही जवाब है मैक्सिको। विच कंट्री डिस्कवर्ड क्रिकेट? बेसिकली इंग्लैंड ने सबसे पहले क्रिकेट को डिस्कवर किया था। हु इज कॉल्ड एज द डेजर्ट फॉक्स? तो जैन एरवन रोमल को डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है। मंगोलिया का जो कैपिटल है वो उलान बतूर है। सियाचिन ये ग्लेशियर है। विच कंट्री करेंसी इज बाहत? तो थाईलैंड की जो करेंसी है वह बाहत है। और फ्रिस्बी को सबसे पहले 1870 में इसको इन्वेंट किया गया। अब वो सिंबल टेम्पल जो है ये इजिप्ट में वाक़ है। 2017 का जो एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो समिट है ये डनक वियतनाम में ये मुनक्कद हुई है। अंडस वैली सिविलाइजेशन जो स्पेशलाइज्ड है वो टाउन प्लानिंग के लिए है। GMT ये ग्रीनविच मीन टाइम जोन का मुहब्बत है। टोटल पॉकेट्स ऑन अ स्टैंडर्ड पूल टेबल्स आर? तो इसका सही जवाब है 6। द फर्स्ट समर ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज्ड बाय द IOC वर हेल्ड इन 1896? तो इसका सही जवाब है ग्रीक। पहला जो T20 इंटरनेशनल है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दरमियान में 2004 में खेला गया था। हाउ मैनी स्टेट्स ऑन शिपिंग फ्लीट डज पाकिस्तान है? तो इसका सही जवाब है 1। विच कंटिनेंट कंप्राइज द लैंड अराउंड द साउथ पोल? तो इसका सही जवाब है एंटार्क्टिका। विच इज द लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग मेंबर कंट्री ऑफ OPEC? तो इसका सही जवाब है सऊदी अरेबिया। हु बिकेम द प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1946? तो इसका जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू। झटपट इज द ओल्ड नेम ऑफ? तो इसका सही जवाब है डेरा अलिहार। UFA इज द सिटी ऑफ? तो UFA जो है ये रशिया का शहर है। हु वॉज द एक्टिंग प्रेजिडेंट ऑफ द गिलगित बल्तिस्तान बिफोर ज्वाइनिंग पाकिस्तान? तो इसका सही जवाब है शाह रईस खान। नेटो इज एन? तो इसका सही जवाब है मिलिट्री अलायंस। 2018 फीफा वर्ल्ड कप विल बी होस्टेड बाय? तो इसका सही जवाब है रशिया। द इकोनॉमी ऑफ मॉडर्न सिन बुक इज रिटन बाय? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर इशरत हुसैन। What is the theme of the 2019 edition of the World Tourism Day? तो इसका सही जवाब है Tourism and Jobs Abandon. Which of the following countries are called as the Land of Free Peoples? तो थाईलैंड को Land of Free Peoples कहा जाता है। टेंगर मैट जो बेसिकली जो सी पोर्ट है वो मोरक्को का है। थैंक यू वेरी मच। काइंडली हमारा जो YouTube चैनल है इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि जितने भी नए आने वाली वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और इन वीडियोस को अपने दोस्तों तक लाजमी शेयर किया करें और जो भी आपका फीडबैक है उसको कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन किया करें।